एक टेनिस प्लेयर का अपने ब्रदर इन लॉ की फियांसे के साथ ही अफेयर हो जाता है। एक ट्विस्ट की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैच पॉइंट एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिस, ये हमसे बात करता है। वो कहता है इस वर्ल्ड में लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ज्यादा लक पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मैच के बीच में एक पॉइंट आता है जब बॉल नेट से टकराता है। उस वक्त एक तो आगे जा सकता है और आप जीत जाते हो, या पीछे आ सकता है और आप हार जाते हो। ये सारी चीजें लक पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद हमारी आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है। क्रिस एक्चुअल में बहुत ही सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर था। उसे अलग अलग जगह पर टूर के लिए जाना पड़ता था, पर लाइफ उसे अच्छी नहीं लगी। वो डिसाइड करता है कि अब वो टेनिस इंस्ट्रक्टर बनेगा। लंदन में आकर उसे जॉब मिल गया। एक दिन उसे बहुत ही रिच स्टूडेंट मिला जिसका नाम है टॉम। टॉम और क्रिस में फ्रेंडशिप हुई। एक दिन जब वे बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके साथ कोई आए ऐसा कोई भी नहीं। क्रिस ने कहा कि मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है। इस बात पर इन दोनों की बॉन्डिंग हुई और एक ओपेरा देखने के लिए उसने क्रिस को इन्वाइट कर लिया। ये दोनों जब वहां पर पहुंचे तो टॉम की पूरी फैमिली वहां थी, उसके मदर फादर और उसकी एक सिस्टर। सिस्टर का नाम है क्लोए। क्लोए को क्रिस फर्स्ट टाइम देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन जब टॉम और क्रिस फोन पर बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे, उसने वीकेंड पर तुम्हें पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाया हुआ है। क्रिस भी फिर चला गया। टॉम और क्रिस टेनिस खेल रहे थे तो क्लोए भी इंटरेस्टेड हो गई। क्रिस उसे खेलना सिखाता है। इन्होंने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को जानने लग गए। क्लोए को पता चला कि क्रिस बहुत ही पुअर फैमिली से आता था। उसने मेहनत कर टेनिस में वो प्रोफेशनल प्लेयर बन गया। क्लोए को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है। उसने फिर उसे एक आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए बुलाया। घर में क्रिस नोला को नोटिस करता है। नोला उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। टेबल टेनिस में नोला को कोई भी हरा नहीं रहा था। क्रिस उसके साथ खेलता है, उसे हरा देता है। नोला भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग के कहती है तुम्हारा गेम बहुत ही अग्रेसिव है। क्रिस कहता है क्या कभी तुम्हें किसी ने कहा है तुम्हारी लिप्स बहुत ही सेंसुअल है। यही बातें चल रही थी तभी यहाँ पर टॉम पहुंचा। टॉम नोला को क्रिस से इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है कि मेरी फियांसे है। नोला एक्चुअल में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। टॉम की मदर को नोला का प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता, पर टॉम नोला से बहुत प्यार करता है। आजकल क्रिस के पास बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं। क्लोए को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर वो क्रिस को हेल्प करना चाहती थी, इसलिए अपने फादर से उसने बात की। अगर उनके कंपनी में कोई पोजीशन हो तो क्रिस ये ले सकता है। फादर ने भी हाँ कहा तो क्लोए इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। क्रिस को जरा ऑकवर्ड लगा। उसने कहा मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं शायद सही से कर नहीं पाऊंगा। क्लोए कहती है सिर्फ तुम जाकर देखो, स्लोली स्लोली सारा ऑफिस तुम रन करोगे। आज रात क्रिस और क्लोए इन नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे। क्रिस नोला के बारे में और भी जानना चाहता था। उसके मूवीज के बारे में उसने उसे पूछा। नोला कहती है मुझे सिर्फ एक ही कमर्शियल मिला था, उसके बाद उसे ज्यादा चांस नहीं मिलता। आजकल वो सोच रही है उसे एक्टिंग का करियर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस ने क्लोए के फादर की हाँ का जॉब ले लिया है। एक दिन ये दोनों हैंगआउट कर रहे थे। क्रिस ने क्लोए को सॉन्ग्स की सीडी दी। इनका प्लान था कि इसे सुनेंगे, घर पर ही डिनर करेंगे, एक ब्यूटीफुल सी इवनिंग स्पेंड करने वाले थे। क्लोए कहती है आज रात नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया हुआ था, उसने उसे मना कर दिया है। ये बात सुनकर क्रिस क्लोए से कहता है हमारी नाइट कभी भी हो सकती है, हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए। क्रिस क्लियरली नोला में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। ये डिनर के लिए गए पर आज रात नोला इनके साथ नहीं गई। उसका ऑडिशन था तो इसके लिए नर्वस थे। अगले दिन स्ट्रीट से गुजरते हुए क्रिस नोला से मिला। वो बहुत ही टेंशन में थी। अब उसका ऑडिशन है और वो डर रही है। क्रिस ने फिर उसे सहारा दिया। जहां पर ऑडिशन था वहां पर उसके साथ गया। ये ऑडिशन नोला का सही नहीं जाता। उसे काम डाउन होने के लिए एक ड्रिंक की जरूरत थी, तो दोनों ड्रिंक करने के लिए एक जगह पर आए। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है नोला के फादर बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। उसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इसलिए एक्ट्रेस बनना उसका ड्रीम था। क्रिस नोला को उसके और टॉम के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। नोला कहती है हम दोनों एक पार्टी में मिले थे, टॉम को मैं बहुत अच्छी लगी तो हमेशा मुझे गिफ्ट भेजता था, मुझे उसने बहुत सारा अटेंशन दिया, तुरंत फिर प्रपोज कर दिया।
नोला फ्रस्ट्रेटेड थी। टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती तो नोला को बहुत बुरा लगता है। क्रिस ने कहा कि शायद उसे मैं भी अच्छा नहीं लगता। नोला कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो तुम्हारी और क्लोए की शादी हो इसके लिए रेडी हो रहे हैं। एक्चुअल में क्लोए का एक बहुत ही घटिया बॉयफ्रेंड था, उसके कंपैरिजन में तुम बहुत अच्छे हो। बस अब इसके बाद कुछ गड़बड़ मत करना। क्रिस पूछता है कि कैसे। नोला ने कहा मेरे साथ अफेयर कर। इसके बाद वीकेंड के लिए ये सारे टॉम की फैमिली के साथ थे। यही पर टॉम की मदर और नोला के बीच में झगड़ा हो जाता है। नोला एक्ट्रेस है और इसी बात पर ये झगड़ा था। इस झगड़े के बाद नोला बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। बाहर बारिश चल रही थी, वैसे वो घर से बाहर निकल जाती है। क्रिस ने सब देखा, उसके पीछे आता है, उसके पास आ गया। नोला कहती है कि अच्छा आइडिया नहीं, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। इन्होंने फिर किस कर लिया। यही पर ये इंटीमेट हो जाते हैं। इस दिन के बाद नोला क्रिस को इग्नोर कर रही थी। एक दिन बैले में क्रिस नोला से बात करता है। नोला ने कहा हम दोनों किसी और के साथ इन्वॉल्व है, जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। इसके बाद क्रिस ने डायरेक्टली क्लोए के साथ शादी कर ली। एक ब्यूटीफुल सा घर देखने के लिए आए हुए थे। क्रिस कहता है कि शायद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लोए कहती है मेरे फादर हमें हेल्प करेंगे। इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए। क्रिस और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तब क्रिस को पता चला कि टॉम ने नोला को छोड़ दिया। ये उसकी मदर की वजह से था। उसकी मदर चाहती है कि उसकी एक दूर की कजन है उसके साथ ही उसकी शादी हो। क्रिस ने फिर नोला को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसे कहीं भी नहीं मिली। आजकल क्रिस और क्लोए ये प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में क्लोए को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी। क्रिस को ये सही नहीं लगता पर क्लोए के लिए वो मान जाता है। इसके बाद टॉम और उसके कजन की शादी हुई। एक दिन क्लोए अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। क्रिस को ऑफिस में याद आया कि उसे क्लोए से मिलना था। जब वो आर्ट गैलरी में जा रहा था तभी वो नोला से मिला। नोला थोड़े दिन के लिए इस टाउन से चली गई थी पर अब वो वापस आ चुकी है। क्रिस उसे पूछता है तुम कहाँ रहती हो, क्या हम मिल सकते हैं। नोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सब बातों का पॉइंट क्या है। तभी यहाँ पर क्लोए आ गई। क्लोए नोला से वो कैसी है इसके बारे में पूछती है पर उसे बात करना जरा ऑकवर्ड था, इसी वजह से यहाँ से वो चली गई। क्रिस नोला से कहता है प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर बता दो। नोला भी सोच रही थी पर उसने बता दिया। इसके बाद एक दिन ये दोनों डायरेक्टली इंटीमेट हो गए। हमेशा क्रिस नोला के घर पर आता था। नोला की नेबर एक ओल्ड वुमन थी, उसे भी वो जानने लग गया था। एक दिन जब क्रिस और क्लोए ये टॉम के साथ डिनर कर रहे थे तभी क्रिस का फ्रेंड उसे मिलता है। उसने कहा एक स्ट्रीट पर मैंने तुम्हें चलते हुए देखा था, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था। ये जो स्ट्रीट थी ये नोला के घर के पास ही है। क्रिस फिर कहता है कि वो मैं नहीं था, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई। पर उसका फ्रेंड बहुत ही फर्म था। क्लोए इस बात को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं, इस वजह से क्रिस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अब बहुत सारे दिन हो चुके और नोला और क्रिस अभी मिल रहे थे। क्रिस ने नोला से कहा था कि वो अपने मैरिज में खुश नहीं, वो क्लोए को छोड़ देगा, पर अब तक उसने नहीं छोड़ा। क्लोए को इनके बारे में पता भी नहीं तो नोला क्रिस पर बहुत ही चिढ़ गई थी। क्रिस कहता है मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। वो फिर 3 दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ एक वीकेंड पर गया। यही पर नोला का उसे कॉल आता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, वो चाहती थी क्रिस अभी के अभी उसे मिले। यहाँ पर क्रिस ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की पर क्लोए मानती नहीं। क्रिस को यही रुकने पड़ने वाला था। रात में नोला ने फिर से क्रिस को कॉल किया। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसे उसकी ज़रूरत है। क्रिस फिर अगले दिन उसे मिल लेता है। ये केयरफुल नहीं थे इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। नोला ने उसे समझाया कि हमारे लिए और एक चांस है, तुम क्लोए को डिवोर्स दे दो और हम दोनों हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्रिस बहुत ही टेंशन में आ गया। ये बात क्लोए नोटिस कर दिया। उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, शायद इसी वजह से क्रिस इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्रिस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसने उसे गले लगा लिया। अब नेक्स्ट सीन में क्रिस अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। जो भी उसके लाइफ में चल रहा है ये सब कुछ उसने उसे बता दिया। वो कहता है नोला के साथ उसकी जो भी मैरिज है इसे वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। उसके पास एक बड़ा जॉब है, उसके जॉब पर उसे बड़ा सा प्रमोशन मिला है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ये सारी चीज़ें वो छोड़ नहीं सकता। एक तरफ नोला है जिससे वो बहुत ही अट्रैक्टेड है। अब क्रिस ने नोला को अवॉइड करने के लिए कहा कि एक मंथ के लिए हम सारी फैमिली वैकेशन पर जा रहे हैं, हम जब वापस आएंगे तो मैं क्लोए को सब कुछ चीज़ें बता दूंगा,
पर ऑलरेडी ये वैकेशन कैंसिल हो चुका था। एक दिन जब क्लोई के फादर इन्हें मिलने के लिए आए हुए थे तो क्रिस को एक बड़ा सा प्रमोशन दे दिया जाता है। नोला ने क्रिस को कॉल करने का बहुत ट्राई किया पर वो इग्नोर कर रहा था। एक दिन वो चेक करने के लिए क्रिस के ऑफिस के बाहर आ गए। क्रिस को बाहर आता देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई। क्रिस कहता है कि हम जल्दी आ गए थे, आज मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। नोला कहती है अगर तुम तुम्हारी वाइफ से बात नहीं कर सकते तो मैं ही उसे सब कुछ बता दूंगी। अब क्रिस बहुत ही बड़े ट्रबल में था। रात में भी उसे नींद नहीं आती। उसके फादर इन लॉ हमेशा हंटिंग करते तो बहुत सारी गन उनके पास पड़ी हुई थी। एक दिन क्रिस जाकर ये गन चोरी कर लेता है। रात में जब क्लोई और क्रिस एक साथ थे तो क्लोई की एक चीज क्रिस के बैग में थी। उसने बैग खोली पर क्रिस जल्दी से उसे वो बैग ले लेता है। उसमें गन थी। तो कहता है कल हम दोनों एक प्ले देखने के लिए चलते हैं। क्लोई फिर एक्साइटेड हो गई। अगले दिन क्रिस ने नोला को कॉल लगाया, कहा कि मैंने क्लोई को सब कुछ बात बता दी है, शाम 7 बजे तुम्हारे घर पर हम मिलते हैं। अगले दिन फिर क्रिस 1 घंटे पहले नोला के घर पर पहुंच गया। नोला की नेबर एक ओल्ड वुमन उसका डोर वो नॉक करता है। उसने कहा कि हमारी केबल चल नहीं रही, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी चल रही है। घर में आने के बाद क्रिस ने गन को रेडी किया, इस ओल्ड लेडी को मार डालता है। घर की सारी चीजें तहस नहस कर दी। इस ओल्ड वुमन की ज्वेलरी उसने ले ली ताकि पुलिस को लगे कि कोई यहाँ चोरी करने के लिए आया हुआ था। उसने ओल्ड वुमन को मार डाला। क्रिस घर में ही था तभी ओल्ड वुमन से मिलने के लिए एक आदमी आता है। क्रिस डोर नहीं खोलता तो थोड़ी देर में वहां से वो चला गया। 7 बजने पर नोला घर पर आई। वो लिफ्ट से उतरी तभी क्रिस उसे शूट कर देता है। वो बहुत ही डर गया था पर वैसे ही क्लोई के साथ प्ले देखने के लिए आ गया। क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचे, उन्हें लगा कि रॉबरी थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में क्लोई को इसके बारे में पता चलता है। सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था। क्रिस फिर एक दिन अपने फादर इन लॉ के घर पर जाकर उनकी गन फिर से रख कर आता है। अचानक से उसके ऑफिस में पुलिस का कॉल आया था, उसे बात करना चाहते थे। क्रिस के पास ओल्ड वुमन की जो भी सब ज्वेलरी थी उसने सारी नदी में फेंक दी, पर हम देख सकते हैं कि उसकी रिंग इस शोर भरी गिर गई। क्रिस पुलिस से मिलने के लिए आया। पुलिस उसे पूछते हैं तुम्हारे और नोला के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। क्रिस कहता है वो मेरी ब्रदर इन लॉ की फियांसे थी, हम दोनों में कुछ भी नहीं था। पुलिस ने फिर नोला की डायरी निकाली, उन्हें नोला और क्रिस के बारे में सब कुछ पता था। क्रिस डर गया। वो कहता है हम दोनों में अफेयर था पर आपको मैं डायरेक्टली ये बात नहीं बता सकता। मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, वो सिर्फ एक मेरी गलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है। अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो प्लीज़ बहुत ही डिस्क्रीट कीजिएगा, आपके इस डाउट की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्रिस के जाने के बाद पुलिस ने इसके बारे में डिस्कस किया। एक को लगता है कि शायद क्रिस गिल्टी है पर दूसरे को लगता है कि ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम था। रात में क्रिस को नोला उसके सामने दिख रही थी। नोला कहती है मेरे साथ ये सब कर तुम जी कैसे सकते हो। क्रिस ने कहा कि अगर मैं गिल्ट के साथ जीऊँ तो जी नहीं पाऊंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी क्रिस को वो ओल्ड लेडी भी उसके सामने दिखने लग गई थी। वो कहती है कि मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझे क्यों मारा। क्रिस कहता है मेरे गोल तक पहुंचने के लिए तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी। उस ओल्ड लेडी ने क्रिस से कहा इसमें तुम्हारा बेटा भी था, तुमने अपने चाइल्ड को भी मार डाला। क्रिस को बहुत बुरा लगता है। एक डिटेक्टिव ने सारी केस को फिगर आउट कर लिया था, उसे लगता है कि 100% क्रिस ने ही क्राइम किया है। दूसरा डिटेक्टिव उसे कहता है कि उस ओल्ड लेडी की रिंग एक ड्रग एडिक्ट के पास हमें मिली, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है, क्रिस ने कुछ भी नहीं किया था। हमने प्रीवियसली देखा क्रिस ने जब ओल्ड वुमन की सारी ज्वेलरी फेंकी तो उसकी रिंग शोर पर गिर गई थी, यही रिंग एक ड्रग एडिक्ट ने उठा लिए, वही इस केस में फ्रेम हो चुका था। क्रिस बाल बाल बच जाता है। मूवी के फर्स्ट में उसने हमसे कहा था लाइफ में चांस बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चांस नहीं होता तो आज वो बच नहीं पाता। उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया पर इस गिल्ट के साथ उसे पूरी लाइफ में जीना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।